हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हैं आप सभी लोग तो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन से और ये देखिए यहाँ पे मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ और देखा जाए तो अपने चूल्हे की कर रही हूँ क्योंकि इसमें हम आप सभी को पता है इसमें मैं खाना बनाती हूँ तो इसमें बेचारी ये जल्दी से ही ख़राब हो जाती है काली पड़ जाती है तो डे बाई डे इसको मैं क्लीन करती रहती हूँ ताकि इसमें क्रैक्स वगैरह ना पड़े और अच्छे से ये बनी रहे क्योंकि ये अच्छी रहे तो मैं भी अच्छी रहती हूँ तो मुझे इसकी क्लिनिंग करना बहुत पसंद है तो मैं वही कर रही हूँ अभी यहाँ पर देखिए मैंने आज सिमें की दो चोटियाँ बनाई हैं और मुझे एकदम से ये बड़ी लगने लगी है पता नहीं बच्चे को क्या है एकदम से ही मुझे इसका अलग ही फेस लग रहा है और मेरे पास बलून लेके आई है कि इसको फुलाओ मम्मा तो मैं मुझे यही बता रही बार बार इसको फुला के दो मैं फुला के दे रही हूँ लेकिन इसका है कि इसको नहीं पता आ रहा है कि एक कैसी हवा निकल रही है तो इसको बस यही काम पड़ा है और खुद ही हाँसी भी रही है और खुद ही मुझे बोल भी रही है फुलाने के लिए तो मुझे सच में आज बड़ी अपनी सिमें बहुत बड़ी लग रही है तो चलो आज मैं आपको अपने खेत में ले चलती हूँ तो मैंने आपको बताया कि मैं और मम्मी और सिम्मी आज खेत जा रहे हैं देखने के लिए कि हमारा गेहूँ कैसा लगा है अच्छा सा लगा है या नहीं तो बस ये देखिए हम घर से निकल गए हैं ये हमारे घर से बिल्कुल पास में ही है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बस ये देखिए हम खेत के ऑलमोस्ट पास पहुँच ही गए हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक बहादुर कहते हैं हम इनको ये आए हैं घास काटने के लिए तो इनकी एक छोटी सी बात बताऊँ तो ये लोग अपना घर बार छोड़ के आते हैं पैसा कमाने के लिए तो पैसा क्या ऐसी चीज़ है जो अपने अपनों को छोड़ देता है छोड़ना पड़ता है अपने अपनों के लिए घर बार को छोड़ना पड़ता है तो लोग कहते हैं ना कि पैसे की कोई कीमत नहीं है बट है अगर नहीं होती तो ये लोग भी अपने घर छोड़ कर नहीं आते पैसे के लिए लोग अपने घर बार अपने फैमिली अपने बच्चों को छोड़ कर आते हैं तो ये भी अपने घर छोड़ कर आए हैं अपनी फैमिली को छोड़कर आए हैं पैसा कमाने के लिए तो ये यहाँ पे डेली आते हैं यहाँ पे घास काट के जाते हैं यह हमारे यहाँ पर ऊपर है घर वहाँ पे ये काम करते हैं अंकल तो मम्मी इनके साथ बात कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि कैसी कैसी लगी है तो बस यही उनसे बात कर रहे और मुझे बस यही याद आ गई कि ये बेचारे कैसे अपनी अपनी फैमिली अपनी हसब अपनी वाइफ वगैरह को छोड़ के आते हैं ऐसे की कीमत हम सभी को समझनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो यूँ ही बेकार में उड़ाते रहते हैं बट नहीं कुछ लोगों की तरफ़ देखा जाए तो सोचना चाहिए कि इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है ये लोग इससे ज्यादा हमें समझाते हैं कि इसकी कीमत कितनी होती है तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के और प्राउड भी फील होता है खुद पर ये है हमारा खेत ये देखिए हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं गेहूं कैसा लगा है मैं सिम्या और मम्मी है साथ में सिम्या बाय कर दे कैसी हो आप तो अच्छी लगी है वैसे देखा जाए गेहूँ हमारा बिल्कुल साथ में ही है ये हमारा खेत और वो देखियो हमारा घर साथ में ही है चलो थोड़ा सा आपको खेत का भी व्यू दिखा दिया आज मैंने ये देखिए अच्छे लगे चारों तरफ तो ऐसे गेहूं लग ही गया है हमारे यहाँ पे तो अच्छा है धूप भी काफी अच्छी है और सिमिया भी गिरती पड़ती जा रही है साथ में तो दिखाती हूँ खेत से आने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा ये कश्मीरी भाई है जो हमें कपड़े देने के लिए आता रहता है वही आया है तो मम्मी ने उसको बिठाया है और ये देखिए यहाँ पे सुंदर सा शॉल दिखा रहा है और मैंने कहा मैं इनके दोनों की थोड़ी सी क्लिप कर लेती हूँ देखने के लिए तो ये हमेशा हमारे घर में आता रहता है इन इनसे हम काफ़ी कपड़े वगैरह लेते हैं सूट लेते हैं आज भी लाया है काफ़ी सूट और मुझे भी बोला है दीदी ले लो बट मैंने कहा नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए मम्मी को एक शॉल पसंद आ गया बस उसी के लिए उससे पूछ रहे हैं क्या इसका रेट पानी है तो बस रेट की डिस्कशन चल रही है और मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये कपड़े और बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं मुझे तो और हम लोग काफ़ी लेते भी हैं तो बस अब मम्मी उसको मुझे यही बोल रहे हैं कि जाओ पैसे लेकर आओ उनको ये पसंद भी आ गया है तो आज घर में ही मम्मी ने अच्छे से शॉपिंग कर ली काफ़ी अच्छा है सो तो शॉपिंग करने के बाद यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ी सीमिया की चीज़ें भी दिखा लेती हूँ उसने मुझसे मंगवाई मुझ है देखिए एप्पल है यहाँ पे ऑरेंज रखे हैं इसके लेज रखे हैं बिस्किट रखी हैं है, चॉकलेट रखी है इसका बात बताओ ना तो सब सारे घर में टोकरियों से भरे हुए इसी की सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं यहाँ देखिए बनाना है यहाँ पर अखरोट भी रखे हैं स्पेशली वो तो मैं और मम्मी भी खाते हैं बट अभी नहीं खाएँगे मुझे स्पेशली सिमे ने चीज़ें लेने के लिए भेजा है मामा मेरे लिए कुछ खाने के लिए ये देखिए ये सिमे की पूरी टोकरी है इसमें उसी का सारा खाने का सामान है और नीचे मैंने आपको दिखाई है लेज़ और बनाना और ऑरेंज जो भी है उसको फ्रूट अलग से होता है और ये ये देखिए यहाँ पे इसके सारे इसकी टॉफ़ीज वगैरह रखी हैं ये चॉकलेट वगैरह है सारे इसके जो भी खाने का सामान है यहाँ पे हम रखते हैं एक जगह उसको पता है कि मामा ने यहाँ रखी है तो बार बार मुझे और भैया को या अपने पापा को बार बार बोलती रहती है ये देखिए लोली पॉप लोली पॉप वगैरह जो भी है खाने की चीज़ें इसकी सभी यहाँ पे रखी होती है और उसको पता है यहीं से मिलेगी तो बार बार हमें बोलती रहती है लेकर आओ तो ये है तो नहीं अच्छा बच्चों को खिलाने के लिए बट क्या करें बच्चे नहीं मानते हैं तो इसीलिए उसको खिलाना पड़ता है अब शाम का टाइम है और शाम के टाइम में मैडम को वो करवा रही हूँ इवनिंग वॉक और ये देखिए अपनी चप्पल भी उसने खेत में फेंक दी है मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पहुँच गई है ये यहाँ पर पहुँच गई है एकदम से भाग के आई और उसने एकदम से अपने पाँव आगे रखा और ये आगे निकल गई थी तो मैडम जी ने इवनिंग वॉक के लिए मुझे बोला है चलने के लिए तो वह भाग रही है तो बस मेरे इसी को इसी की तरफ ध्यान है कि क्या कर रही है ये देखिए आप खेत में जाके खड़ी होगी और बोल रही है कि मामा धीरे से चलो नहीं तो डोगी आ जाएगा मुझे सिखा रही है और ख़ुद गलत जगह पर चल रही है बट चलो बच्चों का भी थोड़ा दिल और हो जाता है बाहर घूमने फिरने से हम हमें अपने बच्चे को हर एक चीज़ सिखानी चाहिए हर एक जगह दिखानी चाहिए ऐसा नहीं है घर में ही बैठा के रखो नहीं सारे इन्वायरमेंट के साथ उनको कनेक्ट करना अच्छा होता है ज़रूरी है तो आ गए वो करके हम वापस अपने घर सिम्या तो गेट के पास खड़ी हो गई है कि मैं थक गई अब तो चलो मैडम जी चलिए शाम का टाइम हो रहा है अब बस थोड़ी देर में हम लोग भी ऊपर तो में चले जाएंगे और ये भी थोड़ी खुश हो गई है घूम के मजा आया ना। ऐसे नहीं चलने बेटा गिर जाते हैं है। नहीं गिरते हैं तो फिर गिरोगे तो रोगे आप रोगे झूठी नोट no. नहीं बेटा प्लीज ए, अब इसने अपनी जिद मनवानी है खुद चल रही है देखो चलो नीचे जाना अब नीचे जाना फिर से बच्चों के जब पाँव लगने लगते हैं ना तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है यही बात है मेरी तो काफी बड़ी है बट अभी भी डर लगा रहता है क्योंकि इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि खुद से ही आना जाना शुरू कर दे तो मुझे तो इसका काफी रहता है ख्याल कहीं गिर ना जाए आपको थोड़ी तो नॉइज सुनाई दे रही होगी ऊपर काम लगा हुआ है तो थोड़ा उसका आपको सुनाई दे रहा हो रास्ते का काम लगा है तो वहां पे मशीन वगैरह लगी है तो उसका आवाज आ रही है आपको तो इसको लेके जाती हूँ मैं ऊपर क्योंकि चलो ऊपर चलते हैं अब निप्पल पीने का टाइम हो गया है देती हूं इसको दूध में जी तो अब शाम का टाइम हो गया है ये देखे आप मुझे दाने वगैरह पिंपल निकल आए हैं तो उनको ऊपर मैंने ट्यूब लगाई हुई है और ये देखिए यहाँ पे सीमिया मैडम भी क्या कर रही है यहाँ पे क्या कर रहे हो आप मेकअप कर रहे हो आप गुड नाइट कर दो बाय ओके फ्रेंड्स तो आज के इस ब्लॉग की यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक तो के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट